25 जुलाई 2021 रविवार से श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है और सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को रहेगा। श्रावण मास में शिवजी और माता पार्वती की पूजा का महत्व रहता है। पूजा सामग्री कई प्रकार की रहती है, परंतु शिवजी को कुछ विशेष प्रकार के फूल ही चढ़ाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव को कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं और क्या पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को चमेली का फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है, कमल का फूल, बिलपत्र और शंख पुष्प चढ़ाने से धन लाभ होता है, बेला का फूल चढ़ाने से विवाह की समस्या दूर होती है, संतान प्राप्त करने के लिए धतूरा अर्पित करना होता है, तनाव दूर करने के लिए शेफालिका का फूल अर्पित करना चाहिए, अगस्त्य का फूल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, कनेर का फूल चढ़ाने से वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति होती है, दुर्वा चढ़ाने से लंबी आयु प्राप्त होती है और सफेद कमल का फूल चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं शिव पूजन में 11 चढ़ने वाली प्रमुख सामग्री। जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग और लाल फूल। इन सभी चीजों को अर्पित करने से मिलते हैं कुछ लाभ, आइए जानते हैं। जल अर्पित करने से मन शांत होता है, दूध अर्पित करने से सेहत में लाभ होता है, दही अर्पित करने से स्वभाव में सुधार आता है, शहद अर्पित करने से वाणी में मिठास आती है, घी अर्पित करने से शक्ति बढ़ती है, चीनी अर्पित करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है, इत्र अर्पित करने से विचार और भाव पवित्र होते हैं, चंदन अर्पित करने से मान सम्मान प्राप्त होता है, केसर अर्पित करने से सौम्यता प्राप्त होती है, भांग अर्पित करने से सभी तरह की बुराइयां और रोग समाप्त होते हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।